कर रहे हैं सविता झा खान, मैथिली मचान के प्रमुख है और एक प्रकार से मैथिली के लिए बहुत बड़ा आंदोलन में लगे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप किस उद्देश्य से आए हैं और क्या मैथिली भाषा की बात करेंगे तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाग से नहीं जोड़ सकते हैं। नेपाल उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है कि नेपाल का एक बहुत बड़ा प्रदेश जो है वो मैथिली भाषी के साथ जुड़ा नहीं जा सकता है। हम दोनों के बीच में, दोनों ही देशों के बीच में जो बेटी और रोटी का संबंध है वो बहुत ही निरंतर चला आ रहा है और इनफैक्ट हजारों साल की इसका इतिहास है। जब नेपाल और भारत के बीच में खास करके ये भाषाई संबंध जो है वो बेहद बेहद मजबूत रहा है, उसी को इसलिए हम लोगों ने इस पूरे प्रयास को स्नेह बंध का नाम दिया। ये एक स्नेह का रिश्ता है तो इसीलिए स्नेह का जो रिश्ता है जिसका आधार जो है जिसका आधार भाषा है, मैथिली भाषा है, उसमें हम लोग अपने पाठकों को, लेखकों को और प्रकाशकों को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। और यह सिर्फ मैथिली पुस्तकों का ही यहाँ पे एक तरीके से मुहावरा नहीं है बल्कि जितने सारे साहित्यकार हैं मैथिली के प्रमुख साहित्यकारों को भी देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। बहुत सारे सत्र हमने ऐसे विमर्श के जो है वो आयोजित किए हैं जिसमें उनसे बहुत सारी बातें जो है नहीं निकल करके आ रही है विभिन्न आयाम में जी। तो मैथिली और हिंदी को आप कैसे लें? जैसे यहाँ पर नेपाल में कई बार विवाद हो जाता है, मैथिली वाले हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं, हिंदी वाले मैथिली को नहीं देखना चाहते हैं, जबकि मातृभाषा के रूप में मैथिली एक सम्मानित भाषा है नेपाल में। इस दोनों में कैसे परस्पर हम और मधुरता कह रहे हैं? मुझे लगता है जिस संदर्भ में आप सवाल पूछ रहे हैं आपका संदर्भ राजनीतिक है, तो राजनीति तो जब भी संदर्भ आएगा, राजनीतिक संदर्भ जब भी होगा वो लड़ाई का अखाड़ा होगा ही, क्योंकि वो ये रहा है कि रिसोर्सेस हमारे पास कम है और उसमें क्लेम्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जब भी आप भाषा को पॉलिटिकल रिसोर्स बनाएंगे, पॉलिटिकल टूल बनाएंगे, तो वह लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा। और भाषा जो है बोलने की, प्रैक्टिस करने की चीज़ है, उसको समझने संप्रेषण की चीज़ है। जब भाषा मात्र संप्रेषण की वस्तु है तो लड़ाई की वस्तु कभी नहीं हो सकती। यह राजनीतिक हथकंडे हैं जो कि भाषा को आपस में एक दूसरे, क्योंकि वह जनमानस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यह हिंदी भाषा ही है, ये मैथिली, तो टुकड़ा छोटा छोटा हो जाएगा और उस पर अपने आप को थोपना लादना राजनीतिक समूहों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। यह भाषाई लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वह आरोपित होता है, वह स्वतः स्फूर्त नहीं होता है। मैं हिंदी भी बोलती हूँ पर मेरी मातृभाषा मैथिली है और दोनों में कोई द्वेष नहीं है, दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, परस्पर चल रहे हैं, इसमें कोई द्वेष नहीं है। पर जैसे ही यह बात अस्मिता की लड़ाई पर आएगी तो फिर यह जो है वो एक अस्मिता तो का जो पहचान परक राजनीति है वो तो हमेशा राजनीतिक लड़ाई है ना, वह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह एक राजनीति है, खास किस्म की राजनीति है, जहाँ राज्य का यह काम होता है कि वह विभिन्न भाषाई समूहों को आपस में एक दूसरे से लड़ा करके और अपने आप को धीरे धीरे क्रमशः मजबूत बनाता चला जाता है। और इस राजनीति को हम लोग समझ नहीं पाते जब हम लड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैथिली के विकास के लिए और आगामी योजना क्या है आपके पास? योजनाएं हमारी जो है वो ज़्यादातर जो भाषा और साहित्य के संवर्धन संबंधी हैं। खास करके एक बात बहुत अहम है कि निर्माण और उत्पाद के साथ साथ सृजनशीलता जो है वो साहित्य में बना रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि जो मैथिली के लेखक और प्रकाशक हैं, जो पाठक हैं, उनको कहीं ना कहीं उसको हमको आगे लाने की ज़रूरत है, उनमें रोचकता बनाए रखने की ज़रूरत है, उनकी रुचि को जगाने की ज़रूरत है। तो ये तमाम किस्म के प्रयास जो है वो किए जाएंगे और उससे जो मैथिली का जो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसका उसकी जो समृद्ध परंपरा है और उसका जो इतिहास है वह फिर से जो है सामने उसी मुखर स्वरूप में सामने आ सके। कोई यह कहते हुए लज्जित ना महसूस करे जब वो मैथिली बोले, तो वह लज्जित ना महसूस करे कि वो मैथिली बोल रहा है, पढ़ रहा है या मैथिली को प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें एक गौरव नहीं तो कम से कम वो सामान्य बना रहे हैं। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है तब तक हमारी लड़ाई जो जारी रहेगी। अच्छा, एक प्रश्न और है, भारत में मैथिली बोलने वालों की संख्या करोड़ों में, मैं समझता हूँ कि 5-6 करोड़ से ऊपर हो, लेकिन नेपाल में मैथिली बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ के अंदर, तो नेपाल की मैथिली और भारत की मैथिली क्या दोनों में कुछ फर्क है? फर्क तो एक घर ही में जब दो व्यक्ति मैथिली बोलते हैं तो उसमें भी फर्क होता है, एक्सेंट का फर्क है, टोन का फर्क है, जिस किस्म का शब्द हो। भारत में भी जो अलग अलग प्रदेश हैं उसमें भी फर्क है, कोसी की मैथिली अलग है,
में दरभंगा की तरफ अलग बोलते हैं, बेगूसराय की तरफ अलग बोलते हैं, पूर्णिया की तरफ अलग बोलते हैं। भिन्न भिन्न भाषा क्या है, एक ही परिवार में पांच लोग पांच तरह की मैथिली बोलते हैं, पर उससे जो उसका लार्जर अम्ब्रेला है वो तो मैथिली ही रह जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मैथिली कैसे बोलते हैं। और है वह मैथिली ही, वैसे ही आपके यहाँ का जो टोन है, टेक्स्चर है, शब्दों का प्रयोग है, जैसे आप लोग बोलते हैं हेते, हम लोग ये नहीं बोलते, मैं यहाँ पे आके ये सीख रही हूँ, बड़ा वेग सा एक्सप्रेशन है पर बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ की जो जो यूसेज हैं, जो जो यहाँ की जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, हम जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, तो फ़र्क है, दोनों की अपनी सुंदरता है, दोनों की अपनी ब्यूटी है, और फ़र्क है, पर है दोनों मैथिली ही, मतलब इसमें कोई आप फ़र्क नहीं कर सकते हैं कि ये मैथिली है और ये मैथिली नहीं है, या फिर ये भारतीय मैथिली है, ये नेपाली मैथिली है, ये सब आपसे अलग है। तो मेरे ख्याल से दोनों मैथिली है, दोनों की अपनी अपनी शब्द की परंपराएं हैं, उसको आप समझें, उसको आप आस्वादन करें, उसको सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि मैं धीरे धीरे दो तीन चार दिनों से पाँच दिनों से कोशिश करें कि जैसे आप लोग मैथिली बोलते हैं मैं भी वैसे ही बोलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।